हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे स्टूडेंट्स और हमारे सभी देखने वाले व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। चल रही है क्लास 11th 2022-23 का फाइनल एग्जाम पेपर, बोर्ड का जो पेपर आपका आया हुआ था, एमपी बोर्ड का क्लास 11th का फिजिक्स का। तो चलिए, ये पार्ट नंबर 2 है और आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 में, देखेंगे क्या क्या हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए क्या कहा गया है, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो उसका क्या नियत रहता है। तो भैया उस निकाय का कुल संवेग जो होता है, या संवेग जो होता है, नियत रहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उस निकाय का कुल संवेग यहाँ पर क्या होता है, नियत रहता, मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यही न्यूटन का एक नियम कह लीजिए, या उससे थोड़े सा हमने डिराइव किया था, यदि संवेग संरक्षण का नियम, जी हाँ, न्यूटन का नियम नहीं, संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो उसका कुल संवेग जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। और संवेग में परिवर्तन कितना होता है उस निकाय के, जीरो होता है। दोनों बातें एक ही चीज़ होती हैं। अगला क्वेश्चन, बंद पथ में द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, शून्य होता है। भाई कौन सा बल, बंद पथ में किस बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, संरक्षी बल, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, संरक्षी बल, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, जीरो होता है। चलिए ए क्रॉस ए, अगर सदिश ए का ए के साथ आप क्रॉस गुणन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो सदिश। करेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो सदिश। जीरो अकेले नहीं चलेगा, जीरो सदिश, क्योंकि दो सदिश का सदिश गुणनफल एक सदिश गुणन ही होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एसआई मात्रक क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो जी के मात्रक के बराबर हुआ करता है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, भाई साहब मैंने निकलवा रखा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जीरो होगा। यह पदार्थ, ये पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति उत्पन्न की जा सकती है। सोचो भाई कि ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनको आप अत्यधिक तान करके जो है विकृति उत्पन्न कर सकते हो, कौन से होते हैं, सोचो उन पदार्थ को आप क्या कहते हैं। ओके, तो शायद आपको याद आ गया होगा, इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, इन पदार्थों को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं इन पदार्थों को, इलास्टोमर्स बोला करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विकृति उत्पन्न की जा सकती है। ओके, इनको हम बोलते हैं क्या, इलास्टोमर्स बोलते हैं। ये इंग्लिश कटर, मगर हिंदी में भी इसको इलास्टोमर्स ही बोला करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। भाई साहब ये प्रक्रम हुआ करता है, और मैंने आपको बताया था वो प्रक्रम जिसमें तापमान नियत रहता है, ताप में परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, समतापीय प्रक्रम बोलते हैं। मतलब ये आइसोथर्मल, यानी कि यह समतापीय प्रक्रम है, और समतापीय प्रक्रम की प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी तापमान नहीं बढ़ता है। तो ये रहा हमारा कौन सा पार्ट, ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने कर लिया है रिक्त स्थान पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, है ना, थर्ड पार्ट चले हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में इंग्लिश वाला पार्ट जिनको देखना हो, वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए इंग्लिश में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल वही क्वेश्चन हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन ए सिस्टम, वॉट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, देन मोमेंटम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ओके, मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यदि फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो जो मोमेंटम होगा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। वर्क डन इज क्लोज पाथ, कौन सा पाथ, कंजर्वेटिव पाथ। वो ए क्रॉस ए क्या, जीरो वेक्टर, एंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड दिस इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन सेंटर पे जीरो होता है। प्रोड्यूस दीज आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये इंग्लिश मीडियम की सारी बातें हो चुकी है। चलिए आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। चेक देखो भाई क्या करना है इसमें, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो घड़ी की सुई हुआ करती है, यहाँ से चल करके 12 से चल करके 12, ओके, 12 से चल करके 12 कितने घंटे में आती है, 12 घंटे में आती है। ओके, सो एंगल कितना बन गया भाई साहब, 2 पाई। ओके, 2 पाई अपॉन 12 आवर्स, आवर को मिनट में बदल लो कितना हो गया 60, और मिनट को सेकेंड में बदल लो कितना 60 हो गया। तो मतलब कि कितना हो गया, यहाँ पर ऊपर पाई आ गया
ओके, और यहाँ पे 2π है पहले तो, और यहाँ पे 12 रख दीजिए, और यहाँ पे कितना रख दो भाई साहब, यहाँ पे रख दो आप 3600। ओके, ये क्या बन चुका है, रेडियन बन चुका है, और नीचे क्या बन चुका है, सेकंड बन चुका है, तो यूनिट बन चुकी है रेडियन पर सेकंड। अब आप एक काम करिए, इससे टोल को काट दीजिए, तो यहाँ से कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना, हाँ 6 बार जाएगा। ओके, और अब आप यहाँ पर पाई अपॉन, एक काम करो आप इसको 36 × 12 भी कर सकते हो, खैर कोई नहीं चल जाएगा ये, तो 36 × 6 कितना होता है, 216 2160। ओके, रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर आपका आना चाहिए, या आप 22/7 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो घड़ी की सेकेंड की सुई का, ओ माय गॉड, मैंने सेकेंड की सुई का कोणीय वेग नहीं निकाला, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मैंने तो आवर की सुई का कोणीय वेग निकाल दिया, मैंने किसका निकाल दिया, मैंने घंटे का निकाल दिया, आवर की सुई का निकाल दिया, तो बच्चों ये गलत हो गया मेरा आंसर, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, सेकेंड की सुई का बोला है, तो सेकेंड की सुई तो बहुत आराम से ना, सेकेंड की सुई कितना समय लेती है एक बार पूरा राउंड लगाने में, 60 सेकेंड ना, तब तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा, तो इसको मैं सही करता हूँ, मैंने यहाँ पे घंटे की सुई यानी ऑवर की सुई जो छोटी वाली सुई होती ना उसका निकाल दिया, ठीक है ना, फॉर्मूला सही लगाया था, बस इसको चेंज कर दो। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, तो घंटे की सुई सॉरी सेकेंड की सुई वही कितना 2π यानी 360 डिग्री अपॉन में 2π रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड कितना 60 सेकेंड। ओके, तो चलो काट दे उसका, तो आंसर इसका कितना आ गया, पाई बाई 30 आ जाएगा। ओके, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पर आपको आंसर कितना निकलना पड़ेगा, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड आपको आंसर लिखना पड़ेगा। पानी की सतह पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के किसी कॉर्क पर नेट बल कितना होगा, देखो भाई पानी की सतह पर वो तैर रहा है, ओके पानी की सतह पर क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, आपको बताना है कि पानी की सतह पर अगर कोई एम द्रव्यमान का कॉर्क तैर रहा है तो उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, बताइए। ओके, तो बच्चों बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, देखिए क्या होता है भाई, अगर कोई चीज़ तैर रही है तो तैरती क्यों है, ओके देखो यहाँ पर आपके पास लिक्विड है और ये चीज़ तैर रही है, तो दो बातें हैं, एक तो इसका क्या लगता है mg, ओके नीचे की तरफ, और ऊपर क्या लगता है, बेयोंसी फोर्स लगता है ना, ऊपर कितना लगता है, बेयोंसी फोर्स, जो कि हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, तो मैं इसको कह देता हूँ fb, f बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी उत्प्लावन बल। तो भैया दोनों फोर्स जब बराबर होंगे तभी बॉडी तैर पाती है, तो बॉडी को तैरने के लिए इस पर कुल बल कितना होगा, ऊपर से नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो कुल बल कितना लगेगा, कुल बल लगेगा इस पर 0। ओके, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो तो आवेग की गणना करो, देखो भाई साहब आवेग आपको बताना है कि आवेग कितना होगा। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ने घुमाने की कोशिश करी है, जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िए थोड़ा सा, तब आपको फीलिंग आएगी, 10 किलोग्राम की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक की लगता आवेग की गणना कीजिए, तो आप लोग जानते हैं आवेग किससे डिनोट करते हैं, जे से, जे इज इक्वल टू, ओके आवेग इक्वल टू कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम जे F इंटू डेल्टा टी, तो फोर्स कितना भाई साहब यहाँ पे 20 न्यूटन है, और समय में परिवर्तन, देखो शुरू से लगाए हो 5 सेकंड तक लगाए हो, तो अंतिम समय 5 और प्रारंभिक समय कितना 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके 100, और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट कितना होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट भी जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट नहीं दी गई आपको, तो आंसर इसका कितना होगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा 100 वॉट शक्ति वाले यंत्र के द्वारा 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय की जाएगी। ओके, तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, 100 वाट 100 वाट की शक्ति है और आपको बताना है 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय की जाएगी, तो आप जानते हो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, सो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी। ओके, पी देखो कितना दिया है, 100 वॉट दिया गया आपको, ओके 100 वॉट, तो पी आपको दिया गया है 100 वॉट। ओके, और साथ में टाइम कितना दिया है, 1 आवर, टाइम कितना दिया है 1 आवर, तो 1 आवर में सेकंड निकाल लो, 1 आवर में कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके, और वॉट और सेकंड का मल्टीप्लाई क्या बनता है, जूल बनता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये 36 और कितने 0 हो गए, इंटू 10^4 0। ओके, तो 36 मल्टीप्लाई बाई कितना, 10^4 जूल। जिन लोगों का आंसर ये आया है 36 × 10^4 जूल आया है, या जिन लोगों का आंसर 3.6 × 10^5 जूल आया है, वो भी सही है। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 36 × 10^4 जूल। ओके, तो इसका आंसर कितना, 36 × 10^4 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर समस्त मौजूद समस्त बर्फ जो है वो पिघल जाती है, ओके तो दिन की अवधि जो होगी
कम होगी या बढ़ेगी। लो भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने, है ना। थोड़ा सा मतलब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को दिक्कत किया होगा कि यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर मौजूद समस्त बर्फ पिघल जाती है तो बताना है आपको कि पृथ्वी के दिन की अवधि कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है पृथ्वी के दिन की अवधि कैसे निकालते हैं, है ना, उस पे जाना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख के तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल झूम उठा एकदम देख करके इस क्वेश्चन को, है ना, कि क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से आया है कि यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर मौजूद सारी बर्फ अगर पिघल जाती है तो क्या होगा। चलो इसके लिए अपन को मैं इधर लेके आते हैं आपको और इसमें बताऊंगा कि हो क्या रहा है, सीन क्या हो रहा है। देखो बच्चों ये जो है अपनी ये अर्थ है, है ना, ये अर्थ है, अभी मजे से बढ़िया अर्थ है, ये घूम रही है। अब कह रहा है ये ध्रुव है बच्चों अर्थ के, ये ऊपर जो होते हैं ना, ये ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव है, और ये जो होता है आपने क्या होता है साउथ पोल, आपने सुना होगा अंटार्कटिका और आर्कटिक, तो दो पोल यहाँ पे होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो होगा क्या, देखो अगर यहाँ की बर्फ पिघलेगी, ऊपर की पूरी बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ पिघल करके पानी बन के कहाँ जाएगी भाई, किनारे जाएगी, कहाँ जाएगी, किनारे जाएगी, दोनों तरफ से जो बर्फ है वो पिघल करके क्या जाएगी, किनारे चली जाएगी, तो उस कुछ इस क्षेत्र में चली जाएगी, कुछ इस क्षेत्र में चली जाएगी। तो जो अर्थ की एक्चुअल जो यहाँ पे हो गया, अब देखो इससे होगा क्या, अब अर्थ की जो शेप है थोड़ी सी वो क्या हो जाएगी, कुछ फ्लैटन टाइप की हो जाएगी, है ना, इस तरीके से कुछ ऐसे शेप हो गई मान लो अर्थ की, है ना। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, मगर थोड़ा बहुत तो इस तरीके से बल्ज हो जाएगा, थोड़ा सा इधर खिंच जाएगी अर्थ, क्योंकि पानी इधर का चला समुद्र फैल जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा समुद्र, ओके, क्योंकि पिघल गई। अब देखो क्या होगा, अब समुद्र के इधर फैलने से ये जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किस पर डिपेंड करता है, एक्सेस से मास डिस्ट्रीब्यूशन की दूरी पर, मतलब अक्ष से द्रव्यमान केंद्र कितना दूरी पर वितरित है। तो ये इसकी इफेक्टिव पहले रेडियस क्या थी, ये थी, अब नई वाली रेडियस आर डैश मान लो क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो मजे की बात क्या है, आर बढ़ चुका है, आर क्या हुआ, बढ़ चुका है, तो आर बढ़ चुका है, और आप जानते हो आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, आर एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर आर बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, क्योंकि आई क्या होता है लगभग लगभग आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो आर बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, मजे की बात है ना। अब देखो यार आर बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है, और क्या पढ़ा अपने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, क्या होता है आई ओमेगा बराबर क्या होता है, नियत होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ओके, आई ओमेगा बराबर क्या होता है, नियत होता है, कॉन्स्टेंट होता है। मतलब अब आई बढ़ रहा है तो नियतांक होने के लिए ओमेगा को क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, मतलब पृथ्वी का घूर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पृथ्वी की जो घूर्णन चाल है वो अभी जो घूम रही है उससे स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी पृथ्वी धीरे घूमेगी, तो मान लो सूरज मामा इधर पे हैं तो इधर वाले हिस्से को घूम करके आने में लंबा समय लगेगा, इसका मतलब पृथ्वी का जो दिन होगा वो बढ़ जाएगा, दिन जो होंगे ना लंबे लंबे हो जाएंगे, अगर सारी बर्फ पिघल करके यहाँ आ जाएगी तो दिन जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे, मतलब जो अभी मान के चलो 24 घंटे का दिन होता है वो बढ़ करके और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितना हो जाएगा, उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कितनी बढ़ जाए, कितने किलोग्राम बर्फ जो है पिघल गई है और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, उसके बाद मैं निकाल पाऊंगा। तो फिलहाल की जानकारी इतने में ही काम चलाओ, क्या है भाई साहब इसमें बोल रहा है कि यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर मौजूद समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी के दिन की अवधि कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या हुआ, बढ़ जाएगी। तो पृथ्वी के दिन की अवधि क्या हो जाएगी भाई साहब, बढ़ जाएगी, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई साहब द्रव्यमान भी दोगुना कर दिया जाए और त्रिज्या भी दोगुनी कर दी जाए, अगर द्रव्यमान भी दोगुना कर दिया जाए और त्रिज्या भी दोगुनी कर दी जाए, इस क्वेश्चन को मैं क्रॉप करके ले चलता हूं थोड़ी सी प्रयोगशाला में। हाँ चलिए आजा भाई, आ गया आ गया आ गया, इधर बैठा है, ये लो जी मैं इधर ले आया हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो बताओ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया स्मॉल जी निकालने की बात हो रही है और स्मॉल जी का फॉर्मूला सब लोग जानते हो, जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, चलो द्रव्यमान को दोगुना कर दो, तो जी तो जी है, जी को तो कुछ होने वाला है नहीं, नया वाला जी निकालना अपन को, है ना, कंफ्यूज मत होना, क्या निकाल रहे हैं अपन लोग, नया वाला जी, तो लियो आप लोग के लिए खास तौर आपके लिए, ये मार्केट में नया आया है, जी न्यू कर दिया मैंने एकदम, है ना।
तो प्रथम है, क्या कर दिया, जी तो जी है भाई, गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाथ मत लगाना इसको तो छोड़ देना। द्रव्यमान कितना कर दिया, दो गुना, तो यहाँ पे m की जगह कितना कर दो भाई साहब, 2m कर दो। और त्रिज्या कितनी कर दी है, ये भी 2r कर दिए, तो ये हो गया 2r का होल स्क्वायर। तो भैया अब देखो, पृथ्वी की त्रिज्या भी डबल कर दी, द्रव्यमान भी डबल कर दिया, अब देखो गुरुत्वीय त्वरण ऊपर तो 2m हो गया और नीचे कितना हो गया, 4r स्क्वायर हो गया, तो जे ये काट दिया कितने बार, 2r हो गया। तो ध्यान से देखो ये कितना बन गया, जी अपॉन एम, है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में 1/2 क्या है, बाहर हो गया, ये लो जी। तो 1/2 मतलब अभी अपने पास जो पुराना जी था वो जी था, तो अब जो नया जी आया है वो कितना हो गया, जी बाई 2। मतलब तो किसी कितना गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रभाव पड़ेगा भाई साहब, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा। क्यों, देख लो यहाँ पे भाई, हाफ ऑफ जी एम आर स्क्वायर आ गया ना, इतना क्या समझाना यार, हाफ ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो मतलब कितना हो गया, आधा हो गया, आधा 1/2 और जी हो गया, ठीक है ना। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, आधा हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रभाव पड़ेगा भाई साहब, आधा हो जाएगा। किसी ग्रह की सतह के लिए पलायन वेग का सूत्र ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या के पदों पर लिखियो। हाँ, पलायन वेग का सूत्र लिखना है किसके लिए, ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या के पदों में आपको पलायन वेग का सूत्र लिखना। वैसे आप लोग क्या लिखते हो, वैसे आप लोग लिखते हो किसी ग्रह के लिए v इक्वल टू अंडर रूट कितना लिखते हो, 2gr, है ना, पलायन वेग इक्वल्स टू लिखते हो v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू कितना r, ऐसे लिखा करते हो ना। बट क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, किसी ग्रह की सतह के लिए पलायन वेग का सूत्र उसके द्रव्यमान और त्रिज्या के पदों में, मतलब आपको क्या क्या लेके आना है, आपको इसमें मास लेके आना है, ओके, और क्या लेके आना है, रेडियस लेके आनी है। चलो तो बनाओ जल्दी से, क्या होता है बताओ, है ना, किसी ग्रह के लिए आपको बताना है कि ग्रह के लिए आपको बताना है कि पलायन वेग का सूत्र बताना है द्रव्यमान और त्रिज्या के लिए। ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग से सबसे बन जाएगा, मैंने करवा भी रखा है क्लास में। चलो बताओ जल्दी से क्या होता है। तो देखिए थोड़ी सी मैंने तो आपकी मदद बातों बातों में यहीं पे कर ही दी है। तो v इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 2gr हुआ करता है, ओके, ये मैंने बताया था। अब ध्यान दो बच्चों g की वैल्यू, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास के टर्म में और रेडियस के टर्म में बताना है, ओके। अब ध्यान से देखो, किसी ग्रह की त्रिज्या का पलायन वेग का सूत्र उसके ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या के पदों के रूप में लिखिए। अच्छा ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। तो मतलब ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख पाएंगे हम, तो यहाँ पे आप देखो इसमें मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 2gr, ठीक है ना। अब तो सबसे पहले एक काम आप करो, यहाँ पर क्या करो अपने पास में, यहाँ पे आप ले लो 2, ओके, और g, और एक्चुअली आप यहाँ पे कैपिटल R ले लो, क्योंकि कैपिटल R इसलिए क्योंकि जब ग्रह की बात होती है तो आप उसके सरफेस से उसको लॉन्च करते हो, ओके। तो स्मॉल R ना लेकर के आप क्या ले लो, 2gr। यही फार्मूला जो बनता है आपका, वो 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो फार्मूला निकलता है वो यहीं से निकलता है, ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो यहीं से निकलता है। अब आ जाओ बच्चों काम की बात मैं करता हूँ, यहाँ से अपना काम शुरू होता है। देखो बेटा, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला तुमने क्या सुना है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बस उठा के यहाँ पे रख दो, तो वी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 की जगह 2 रहने दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर, और एक आर पहले वाला, तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2gm बाई r। यही होगा आपका आंसर जो आप ढूंढ रहे हो ना, ये होगा आपका आंसर, अंडर रूट 2gm बाई r, याद रखिएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gm बाई r, क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाई r, क्या होता है, अंडर रूट 2gm बाई r, ओके। और इन शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाता है, पृथ्वी के लिए, है ना, पृथ्वी के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो प्रिंट शॉर्ट सॉल्व कर लोगे तो पृथ्वी के लिए कितना आ जाता है, जीएम की जगह क्या रख देते हो आप, जीएम की जगह जीआर स्क्वायर डाल देते हो, सॉल्व करके आ जाता है पृथ्वी के लिए 2gr। मगर फिलहाल ये आपके काम का नहीं, आपके काम का ये वाला है अंडर रूट 2gm अपॉन r। तो आंसर क्या डाल देंगे अपन, हाँ यहाँ पे तो कितना हो गया था, पहले वाला क्वेश्चन जी बाई 2 हो गया था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कितना आर, ये हो गया। चलिए अब आता है भाई साहब वर्ड वर्ड वर्ड, वन वर्ड तो हो गया ना, यहाँ जी वन वर्ड तो हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वन वर्ड हो चुका है, इसके बाद हमारे पास आएगा मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो भाई साहब पूरी की पूरी यहाँ पर भर दी गई है वेव, ओके। तो चले अभी हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं, ये लेक्चर सेकंड है, इसके बाद थोड़ी देर में मैं थर्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक आप लोग सेकंड वीडियो कैसा लगा।